मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। हमारे मुल्क में हर वो महकमा जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। जैसे वजारत खजाना तो है लेकिन खजाना खाली है। वजारत एग्रीकल्चर तो है मगर मुल्क में आटे का बहरान है। वजारत पेट्रोलियम है मगर पेट्रोल सिर्फ वजीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। और बिजली जो कभी पूरी ही नहीं हुई उसके लिए भी हमारे यहाँ वजीर है। और जिस महकमे को किसी वजारत की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है रेलवे का। हर वजीर जाते हुए रेलवे का खसारा बढ़ा जाता है और वजीर आज़म मुल्क की खसारा। आइए देखते हैं कि आज रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा है। वैसे पहलवान जी कितना अरसा हो गया तुम्हें इतने बुढ़े हो गए इतने बैठे पुत्र एडिया ट्रेन वेखिया हूं तो साड़िया अखा च लाइना विछगिया ने उससे प्यार वाले जीओ ना वेखो क्या बात है माशाल्लाह इतना सोहना सूट पाया है बाकी कपड़ा टेबल नु लवाता है। आपको बहुत बातें बनानी आती हैं काम वाम आप कोई नहीं करते। अच्छा मेरे नाल झगड़ा किए मैं सिर्फ एक क्लियर कर दो तुहानू किसी ने मेरे पिछे पाया है कि आउंदिया इहदे नाल लड़ पैना है। नहीं सोचने की बात है कि मैंने देखा है कि पैसेंजर्स भी नहीं होते लेकिन ये हशाश बशाश तैयार होके इतने मुतमईन पता नहीं कैसे यानी कि ड्यूटी ते आंदे हैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल 16 आने सही करी दी होंगी। 16 आने सही मतलब ट्रेन आए ना आए मुसाफिर जाए ना जाए आपका काम तो हो जाता है ना। आपको किसी ने मेरी सिपारी तो नहीं दी। जैसे बिना रेलवे निजाम का आगाज जब सबसे पहले हुआ था तो लोगों की जिंदगी तो इसने बदल के रख दी होगी। हाँ 1860 में जब पहली दफा ट्रेन को लोगों ने देखा स्पेशली कराची में तो वो लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। जॉन ब्रेंटन जो इंजीनियर थे रेलवे के उन्होंने कोट किया था कि जब पहली दफा लोगों ने इंजन को देखा तो वो इतने ज्यादा फैसिनेटेड थे और सरप्राइज थे रादर शॉक थे कि वो ये समझते थे कि इस इंजन को कोई जादुई ताकत जो है वो खींच रही है। बल्कि उन्होंने एक फनी वाकया भी कोट किया कि इससे रिलेटेड लोगों के बीच में बहुत सारी रूमर्स भी मशहूर हो गई थी। क्या क्या? वो कहते हैं कि लोग ये सोचते थे कि जो गोरे हैं वो रेल की पटरियों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को दफन करते हैं ताकि जादुई ताकतें जो हैं वो इससे खुश होके ट्रेन को चलने में मदद दिया करें। और वो ये भी कहते हैं कि जब ट्रेन सीटी बजाया करती थी तो लोग डर के भाग जाया करते थे। वो दो इंजन भी मानल ऐसा माड़ा अब्बे ने दस्या वो कहता है कि जी कोले पाई जाओ तो चलता भी आराम ना कहते कहते करते काटा कितने गिन कहते कहते ए म्यूजिक तो नवा हूं ना आया तक 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 पहलवान जी तेरा प्यो जो टेकन ते फिरदा हुंदा सी ना उन्हें अज करके बांह दे अपने बाल बढ़ाया हुंदा सी सारी बांह तेरे प्यो दी चिट्टी हुंदी सी। चिट्टी क्यों जी? ओ बास तेरे प्यो दी बांह नूं बाथरूम भी समझदा सी। और तेरे प्यो ने इंज करके छड़ना के अल्लाह रखा कुश्ती भोलू पहलवान ना हुई सी। पहलवान साहब मेरा आपसे एक सवाल है। ताड़े कोलो? हां जी। सवाल लख सवाल कर। ये आप पहलवानी छोड़ के चाय क्यों बेचना शुरू हो गए? हाय 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 वो कहंदे नहीं अगे एक छोटे से लफ्ज दे महरम से मुजरम बना दिया एक बीवी ने पहलवान से चाय वाला बना दिया। तो क्या चाय उनकी फेवरेट है जो आपने चाय का ढाबा खोल ली? एक बारी मैं उन्हें अपने थी चाय बना के पियाई है उन्हें कहा पहलवान जो तेरे हाथ से चाय का जायका ना वो तेरिया कुश्तिया च नहीं है। उन्हें कहा आज तो बाद जे तू खाड़े वाल गया तो तेरिया लत्त पांद चाय बनानी। बाबू जी कितने जा रहे हो? तेन दसना जरूरी है माहौल कुड़ी बारी सहमी सहमी बैठी हुई है ट्रेन ते कुड़ी पहली बारी चढ़न लगी है। मेरे ख्याल भाई दे बोलदी नहीं वैसे बीवी एहो जी होनी चाहिए पहलवान जी। ये कपल मुझे बड़ा सस्पिशियस सा लग रहा है। बदतमीज आदमी है विना जी। पहलवान जी बाउली ना मेरी तरफ चाह लो। तू मेरा साला लगना है तेन मैं क्या चाहता? ये आप इतने गुस्से में क्यों है? एक मिनट जी क्या हुआ आपसे बात की किसी ने? आप लोग अपनी बातें करें हमारे तरफ क्यों ध्यान है आप लोगों का? ये टिकट ली है इन्होंने कहीं? नहीं अभी टिकट ली नहीं इन्होंने। यार एक मिनट चल आ भाई तू टिकट दे ही दे चल। हां तो टिकट लो ना और ऐसे जाना जे चल भाई इधर जाना जे जरा तू लम्मे पैके करना ना मैं फौरी को मानना।
ਪਲਵਾਨ ਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਏ ਬਖਤਰ ਪਾ ਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਬਾਉ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਮਸਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਪੇ ਇਤਨੇ ਸਿਕ੍ਰੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਪੇ ਹੈ पब्लिक प्लेस पे क्या मतलब सबको बताते फिर कहाँ जा रहे हैं हम ये हमारा फैमिली मैटर है जी हम जहाँ मर्जी जाए पब्लिक प्लेस है ट्रेन कदों आनी यार आपे पता कर ले मेरी बात सुने बस तेरे प्यो ने कहा मुंडे स्टेशन तो नहीं जान देना हाँ जी ये इस तरह का कोई वाकया हो तो कोई पुलिस वगैरह का फोन नंबर हेल्पलाइन नहीं नहीं अगले मियां बीवी निकलन सन जुतियां पवानियां तुसी ओ इधर आ इधर इथे बैठ पागल हो गए ओ कुड़िए को दूध पसी पीनी हूं पीनी होएगी ना बाबा जी मैं आप दस देंगा ओ तानू लोका नु और कोई काम नहीं हैगा काओ बॉय ओ नहीं जी सोफिया लुरीन दा खावा दे मेरा खत अठ घोड़े जान रहे होना एहो जे बंदे नु पहले फायर भाई किथे खैर नाल जा रहे हो केड़ी ट्रेन है अपनी भाई ट्रेन कब आ रही है मैं तो इंतजार कर रहा हूँ मैं तो अपने शहर जाना भाई सारा इंप्रेशन ही खराब कर दिया बोल के मैं समझा को खबर है करके कोई डाउन बोलेगा ट्रेन कब जा रही है काओ बॉय से आप तुम यंग बॉय बन गए एकदम अच्छा मुसाफिरों के साथ ना बहसबाजी नहीं करनी चाहिए बहुत गलत बात होती है ट्रेन कब आती ट्रेन आ जाती है देखो जा कुल्ली मैं नहीं देखा कई बार ट्रेन तेजी से निकल गई समान है तेरे को ए नस के जाके हैदराबाद तक सामान फड़ा गया अपना जा किथे रहे हो जी मैं क्यों बताऊं मैंने आपको बताना कि ट्रेन आपकी आ गई है किस ट्रेन की टिकट ली है मैंने ये शाही मां की हैं शाही मां की नहीं शर्मान वाली थी कोई भी ट्रेन नहीं शाही मां की टिकट नहीं है भाई शाही मां की टिकट ली है भाई ये सारी मां की ट्रेन तो कोई चल ही नहीं रही है नहीं यार कैसे समझाऊं मैं शाही मां की टिकट भाईजान ओ केड़ी ट्रेन ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਚੜ ਜਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਊਂ ਆ ਕਬ ਵੀ ਤਿਰੇਨ ਕਬ ਆ ਰਹੀ ਤਿਰੇਨ ਅੱਛਾ 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 ਤਿਰੇਨ ਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਆਪ ਔਰ ਆਪਕੋ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਸਾਈ ਮਾ ਤਿਰੇਨ ਅੱਛਾ 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 ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਈ ਮਾ ਤਿਰੇਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈ ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਮਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹ ਉਤਾਰ ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਆ ਸਾਈ ਮਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ अब तूने मेरी नकल उतारी ना तो मैं तेरे ऐसा उतार दूंगा अब भाई साहब वैसे आप किधर जा रहे हो चुप है उन्होंने नहीं पूछने का इन्होंने हल्की जी मारती ना हाँ तो तेनों तो पार्सल करके भेज ना आज तक ऐसा कोई हाथ नहीं बना जो मैं ऊपर उठा के समझ आई मैं गाड़ के रख देता हूँ की गाड़ के रख देता हूँ गाड़ के ये जरा पता करेगी लड़की मुझे किसी मुसीबत में लग रही है मैं तेरी मदद करांगा ओए ओ कोई लोहे दा नहीं बनया कि जिन्हू पहलवान एंड करके बांह फड़ के और एंड करके धौल ना मारे अरे इसका क्या कसूर है पहलवान जी पहलवान तेरी मेहरबानी में शाली मार नु देना है शाली मार ने आंदे मेरे को कुछ ना थत्था की तेरे कुड़ी खोल के दस और मैं बड़े बड़े डिंगे ठीक की तेरे उसके पास असला है वैसे आज कल ट्रेन में बहुत लेट आई है पता नहीं क्यों ये या की ये ओ ट्रेन पैर तो नंगे नहीं तो बच्चे चलानी नहीं आती पहले उधरों नंगा था जी आज इधरों नंगा आ गया या पहलवान साहब कमर पे करो ये हड्डी पे ये हड्डी पे करो एक लड़की मुसीबत में है और आप तीनों कमाल है केड़ी लड़की मुसीबत में है भाई ओ बाऊ जी नहीं ए मुसीबत में बैठे ने पहलवान जी आप कुछ करें बजे हाथ देख मेरी छेड़े पहलवान मैं कदों पहलवान अब्बा मेरे ने एक बार दसिया सी ओ कुछ नहीं दसा तेरे कुल्ली इतने हट्टे कट्टे हो उधर पहलवान बैठा हुआ है तीन तीन आदमी बैठे हुए यहाँ पे आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा करना की है इन्होंने भाई ओ बाऊ जी पता की गल है इथे आए ने कोई गेस्ट आए ने अच्छा उन्होंने जाना कराची उन्होंने सामान ज्यादा हैगा मैंने कहने कल्ले चुक के लाया मैं कितू कल्ला चुका पहलवान मेरे नाल जावे ए सामान नु पिछो हाथ पावे ते ए लत्ता नु पै जावे सामान दे ते फिर मैं कुछ करा मैं तो सामान दे थी पैन ली तैयार हां जे सामान अचानक चल गया ते कौन जिम्मेदार शर्म खाओ शर्म कुल्ली हम यानी कि मैं
गैरत खा के कुली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो तू नहीं चाहता तेरी इत्थे फोटो लगी हो बेटे ते तू नहीं चाहता तेरी उत्ते लगी हो ऐ कर दे भाई मैं तो पहला आखिरी सफर है ट्रेन का भाई लानत तेरे कोट दे उत्ते पहलवान जी हां जी ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਭਲਵਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਏ ਖੌਫ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭੁਲਾ ਕਰੂੰ ਚਾਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੇ ਭੁਲਾ ਆਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਚਾਰਜਰ ਦਿਓ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਾਹਦਾ ਨਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਆਇਆ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ फिर बुलक्का हो गया मैं तो एप्पल का फोन है मैं पूरी रेडी एप्पल दी अंदर लाई पड़ा ओ भूल गया मैं कहता जिन्ना मर्जी भूल जाए इथे ब्रीक पेन वाला भी है तेनो तवज्जो फरमाइए ओ यार तवज्जो करना मेरे ख्याल कोई ऐलान हो रहा है कोई ट्रेन लेट है या आ गई होनी जिस लड़के ने पी कैप और लाल कलर की शर्ट पहनी व्हाइट लाइनें उसकी ट्रेन अगले प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है चले जाओ यहाँ से कैन यू बिलीव दिस ये होया कि ऐलान की सी यार वहां समझ नहीं आई पन्नी दे बच्चे तू कहने सी लाल और चिट्टी कलर दी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम एक मिनट भगवान अल्लाह ने साड़ी सुन ली वैसे बड़े बुजदिल हैं आप परला मुंडा देखे मैं कहना भवे तोप अगे खड़ा कर दियो तोप नु गुम मजा आ जाएगा बच्चा गोरी हटेगा आओ जी बिस्मिल्लाह जी आओ भाजी दरअसल मेरे पुत्र दा आज ब्याह है तो साडा एक गेस्ट आ रहा है अच्छा जी बहुत जरूरी गेस्ट है साडा बैठो बैठो तुसी जी बैठो ओनु असी लेन आए हैं ए मेरी वाइफ है ते ए मेरा पुत्र बैठो बैठो अच्छा 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 मैं कहा कौन आ रहे जी खैर नाल चीफ गेस्ट ने बड़े आला की मसला है तन्नू ए बचपन दी मेनू एक बीमारी है मेरे ख्याल तन्नू बचपन दी कुत्ता पिया तन्नू आज तक शक है फिर पे लो जी मैं अपनी नानी नाल आंदा सी जदों दी मैं दी चाह दी दुकान वे इत्थे बैठा तेरा घर कोई नहीं घर केड़ा जी घर ते बंदे दा आखरत है हां बिल्कुल बिल्कुल चलो चलीदा बेला आज तू दोवा प्यो पुत्रा ने चल जाना है किथे जाना है मेरा मतलब ओ अपने घर जाना ही है हां जरूरी है ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਧ ਰਫੀਕ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਮਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਔਰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਮੇ ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਅਲਾਈਨ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਮੇ 8 ਬਜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰਾਸ ਮੇ 8:30 ਬਜ ਰਹੇ ਹੈ तो लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी लेकिन जो ही ट्रेन सर्विस शुरू हुई तो जाहिरी सी बात है एक स्टैंडर्ड टाइम का होना तो ज़रूरी था ना कि हर स्टेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेन को चलना है और दूसरे स्टेशन पे पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है तो ट्रेन सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में एक स्टैंडर्ड टाइम का आगाज़ हुआ और वही ट्रेनें अब टाइम पर नहीं आती ओ बब्बर शेर उठा ओ मैं सदके जमा क्या तैयारी है ए बच्चा करता की ए पहलवान है हाय हाय राजू राखट लगा है मान क्या बात है दो पहलवान ने गुजरा वाले दे टाए ने अजे परसों ही आना बेटा इधर बात सुन गल सुन भाई लगता है रेस्क्यू टीम आ गई है बाकी सच्ची मुच्ची पहलवान टा हां पहलवान है मेरा पुत्र ओ पीछे टोपी वाला भाई देख रहा होया की है हां ए चाहिए बिल्कुल चाचा जी ये कुल पस्तौल होगी पहले क्यों नहीं देखी ओदे गुजरा ने पहलवान टाए सी ओदे अब्बे ने मेरा ब्याह कराना सी तो गल बनाई सी वो अगर हम जप्पा पा लेगा ना तो तेरे जप्पे चो निकलेगा नहीं आप लोग क्या बुजदिलाना हरकतें करे कुछ करे पांच बंदे हैं आप लोग इधर और मैगजीन में 6 गोली होती है एक बंदा और चाहिए व्हाट अ शेम पुत्र तू सिर्फ जाके ना उबासी लेके ना उधर तो लेग भी पेगा ना फिर भी फौत हो जाएगा नहीं मेरी ये और तू जिंदा जवान है तो पुट्ठा साल में उन्हें तेरे अंदर टूट जाना अच्छा जी अंदर तो पैर लग जाओ आ जा बेटा चाचा जी अरे मेहमान आ की बन गया तानू ਇੱਡੇ ਤਗੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦਿਸ ਚੰਗਾ ਬਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿਰ ਗਈ ਪਈ ਆ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਬਰੂਦ ਦਾ
कौन? यही तो हमारे मेहमान खसूसी हैं, इसी के लिए तो ब्याह रुका हुआ है। ए बच्चा अपना ब्याह छड़ के इन्हें लेना है? हाँ। जी जी। कराची ने बिजनेस की है चाचा? मेरा शिप का बिजनेस है। आप पढ़े लिखे बंदे का काम खराब है और कहना ओ शिप ओ। कितनी उम्र है आपकी? 45। नहीं हुन पूरी दस ना। 45 और 15 मिनट। तुम्हारा नाम की मरोड़ी टाइप ना होना तुम्हारा? मेरा नाम नोरेज है। हैं नोरेज? मैं तो नोरेज मारने ने सीधे ही। ये सब अपना कोई कराटे करोटे जान दे। ब्लैक बेल्ट हूं। ये जरूरी नहीं कि मुंह ब्लैक हो तो सिर्फ ब्लैक बेल्ट हो जाओ। मेरी गल सुनो, कोई फाइट कर लोगे? बस हैं, बहुत हो गया, बहुत डर लिया मैंने तुमसे, अब और नहीं। क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मार डालोगे ना? मार दो गोली तुम मुझे। मेरी गल सुनो, सुला करो। नहीं मार दो, नहीं डरती मैं गोली से। ठीक है, क्या जान जाओगी तुम? चलाओ गोली, चलाओ। मैं गोली चला दूंगा तुम्हारी गर्दन से। मैं चला दूंगा गोली। नहीं नहीं डरती मैं तुम्हारी गर्दन से। ओ तेनु तेरी मां दी कसम चला रहा हूं। ओ छोड़ गोली, तेनु रब ने मौत दे दी। आ ओ आ ओ बस ओ तेनु ते ओ मेरा बा कहंदा सी इंज भी चल जांदी हुंदी है। ओए ओए मेरी गल सुनो, ओए मेनू चलाना नहीं जांदा ते पड़या गल ले सी। एक मिनट फलवान जी, एक मिनट, एक मिनट, ओए इज द राइट वन। हेलो करवान, चला दे, चला दे, चला चला। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू मस्तियां, और देखते हैं कि आज हमारे पास खबर क्या है। जी खबर है कि सोने की चेन निगल जाने वाले चोर को एक्सरे के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये चोर चोरी करके पहले खाता है? सामने पुलिस को देख के खाना पड़ा। सुनने में आता है स्मगलर भी तो यही करते हैं जब मनशात लेके जाते हैं। हाँ अक्सर हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि मनशात स्मगल करने का एक ये भी तरीका हुआ करता था। हाँ, तो लेटेस्ट स्कैनर्स आ गए। ये असल में ये होता है ना कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना उस पे वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की हरकत ना कीजिए। यार को कैमरा ओदे कोलो उंजी ले ला, तू क्यों 3 घंटे गल करदा है? ए जे बंदे नु जेल होवे ना कह रहे हुंदा शुक्र है मेनू छत मिल गई। किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं आप क्यों बुली कर रहे हैं अबूबकर? आप नोटिस लेना इस चीज का। सॉरी आप उनको बात मुकम्मल करने दें फिर मजाक करें। सॉरी ये आपने कैसी बात की मजाक करें? मैं ये कह रहा था आपको कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना इस तरह की चीजें, पहले ये होता था कि जो प्लेन में जाता था उसको तो वो दे देते थे क्योंकि इसने 4-5-6 घंटे बाद उतर जाना है। अब जो रेल गाड़ी से जाएगा उसको तो ये कैप्सूल वगैरह नहीं देंगे, वो तो बेचारा रास्ते में ढेर हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही माजरा क्या, ये दोनों आपको बख्शते क्यों नहीं है? ये पीछे बिठा दिए गए, ये साजिश है मेरे। खान साहब आपका बदला मैं मिर्जे से लूंगा। मिर्जा अपने सहुरे नु फोन करके कह रहे हैं अपनी कुड़ी ले जाओ, ये तो मेरी इज्जत ही बहुत कर रही है। खबर क्या है इसकी तफसील तो बता। ये वाकया ब्राजील में पेश आया है, रियो डी जनेरो में। वहां पर एक सियाह की चेन एक चोर ने चुरा ली और चुराने के बाद उसने खा भी ली। तो उसके बाद सियाह ने कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में, और फिर पुलिस ने चोर को पकड़ तो लिया लेकिन चेन उसके पास नहीं थी। उसको ले जाया गया क्लिनिक, उसका एक्सरे कराया गया तो पता चला कि इसके पेट में मौजूद है। उनके सामने खाई थी कि पुलिस को आइडिया हुआ कि इसके पेट में हो सकता है? प्याह ने देखा कि उसने चेन उसकी निगल ली थी। अच्छा, दिस इज हाउ ही गॉट टू नो। वैसे भी ना ये वाकया ब्राजील का है और ब्राजील में तो हम देख रहे थे क्राइम रेट वैसे भी बहुत ज्यादा हाई है। हाँ ब्राजील की सारी रियासतों में तो नहीं, कुछ रियासतों में कम भी है लेकिन खासतौर पर जो स्ट्रीट क्राइम है ना ये ब्राजील की दो रियासतों में बहुत ज्यादा है, रियो डी जनेरो और साओ पोलो में। और स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा ब्राजील और भी बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है, जैसे दुनिया का एक अजूबा भी वहां पर है, क्राइस्ट द रिडीमर, वो जो एक स्टैचू सा बना हुआ है। काट मेरी चैन, तेरा खाना खराब हो जाए, बेड़ा करक तेरा नारियल दे सेरा ले। ओ तो ये वाकया आपके साथ पेश आया है? जी फिर मैं पेश आया जी, मेरी चैन खा गया, उदन तो मेनू चैन नहीं आ रहा। ये मैं कोई चैन नहीं खाती, झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे भाई जी, बिल्कुल आपने चेन खाई है, आपका एक्सरे किया गया था उसमें बिल्कुल चेन नजर आई थी। सर तू चैन में घर बैठो, मैं चारे पास नाकाबंदी लाती है, जिस दिन चेन दुनिया तय आएगी वो तुहाडे को आएगी। और मेरे को जेड़े जेड़े तरीके ने वो तो मेरे प्रोडक्शन वाले ने रस्सी नहीं दी, पर ना मैं कुंडी पा के ये पिज्जा खाने का शौकीन है। अच्छा। मैं कुंडी से पिज्जा लाना सी, इन्हें पिज्जा खाना सी, कुंडी जाके चेन ना फस जानी सी, मैं रस्सी बाहर खिंचनी सी, इन्हें अंदरों मैदा घुटना सी। किन्नी देर मैदा घुट सकता है?
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਦਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਨ ਖਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਹਰ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ। खातून, मेरा नाम है तैमूर रोनाल्डो। मेरा जब चेक किया गया, एक्सरे देखा गया, तो उसके अंदर चैन थी, बालियां थी, ठीक है जी, उसके साथ साथ गले का नेकलेस भी था। डॉक्टर साहब, मेरे ते पसीने आ गए ने, मथे दा टिक्का, 12 चूड़ियां, 4 पजेबां, ओ मैनूं ते शक पै गया है किते तैयार कीती हुई दुल्हन खा गया है। मैं कह रहा माल बरामद करा, उतो एडा टीठ है, मैनूं कहंदे जी मेरे लक ते लिख दिओ कासम जूलर। कितना कटिया चोर, कितो सेफ चोरी कर लै, तो सारी चीजा पेट में सेफ करी जा रहे। और बुरी गल, तलाशी लवो, हो सकता है मेदे च सुनियारा बैठा हो। मैं कहना भाई जान, सुनियारा तेरे वर्गा होंदा ना ते मेदा पाड़ जाना। शो मारदा जी, शो मारदा है, अपनी शो दी वजह ने अपनी चेन गवा बैठा है। ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਭੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਬਸ ਮੁਜਰਮ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। आप मुझे ये बताएं, आपका बिजनेस क्या है जो आप चेने पहन के घूमते रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है पहन के नहीं, शायद हाथ में लेके घूम रहे थे। कैसे चोरी कर ली इतनी आसानी से आपकी चेन? मैडम जी, वो मिसाल तो सुनी था, खुसरे नु अल्लाह ने पुत्र देता था, उन्हें चुम चुम के मार लिया। अच्छा, तो एक गरीब आदमी है, गुरबत दे साड़े कढ़ रहा है, हालात अच्छे, उन्होंने जेड़ी चेन पांदा ना, ऐ गिरबान खोल के दे, अभी हर बंदे नाल गल करदे करदा ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਰਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਕੈਰਟ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਫਲੌਂਟ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਟੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ। कुछ लोग सोने का दांत लगवा के भी नुमाइश कर रहे होते हैं। ओही इहदे प्यो दा पहले डाकुआ ने कढ़िया है। इहदा प्यो सिंध रहिंदा है, उत्थे व्याह ते गया, उत्थे जाके उन्हां नूं न्यूंदरा पा के कहिंदा वेख लो, बाद च इहने कहना कि मैं इत्थे व्याह ते आया ते मैं खुल के नहीं सिया। दंत तो मैनूं याद आया, मैं पान वाली दुकान ते गया। हां, मैं अपने लोग नूं 4 मुंदरियां विखा रहा, मैं कहा 4 पान मेरे ला, उहदे सोने दे दंत सी, कहिंदा नहीं लाउंदा। सर, हुण कोई तरीका दसो, इह पाकिस्तानी पुलिस दे हवाले करिए, या तुसी खुद दी चेन बरामद करा दोगे? इंस्पेक्टर साहब, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। और ऑपरेशन के पैसे अब कौन देगा? हां, ऑपरेशन के पैसे जाहिर सी बात है ये देंगे। दरअसल मैं चैन भूल सकना, लेकिन मैं चैन नु इसलिए नहीं भूल रहा, उस पे मेरी लवर का नाम लिखा था। दरअसल मैं वहां फुल्ले बेचता था, जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं, तो मैंने थोड़े से ज्यादा डाल दिए, इस गल तो ही रहेगी मेरे पे। ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲੜਨ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2-3 ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਵਧਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵਡਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आप खिलाएं? और नहीं, इसके असल में मेदे में बहुत कुछ है, वो ऑपरेशन से ही निकलेगा, और ऑपरेशन का खर्चा जी कुल होगा 5 लाख। मैं ये जानना चाहूंगी कि चेन की मालियत क्या है? मालियत उसकी 1.5 करोड़ रुपया है। सोने की चेन और मालियत 1.5 करोड़ है? तो 3500 दी टांके लो आलवा के 1.5 करोड़ दी। दरअसल मेरी लवर ने वो मुझे गिफ्ट की थी, जो गिफ्ट चीज होती है वो करोड़ों अरबों की होती है। मेरे अर्गे जेडे करोड़पति है ना, सिर्फ मजंग चुंगी समाद सुंग दे बस। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੇਨ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰੱਸੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੀਂਘ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਡਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਅਰੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਚੇਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਚੇਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਸਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ।
यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन जब लिटरेसी रेट कम होगा तो कलम बेचारा कैसे इनकलाब लाएगा? जब एक कॉलम निगार 40-50 साल तक भी अवाम के शऊर को झंझोड़ने में नाकाम रहे तो फिर कलम तलवार नहीं बल्कि क्लाशनकोफ बन जाता है, और गुस्से और इस्तराब में लिखे हुए उस कॉलम को कालम गलोच कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर कालम निगार। ये इतने सीनियर हैं कि सभी कालम निगार इन्हें कालम पना कहते हैं। तो हमारे डमी स्टूडियो में आज मौजूद हैं हसन निसार साहब, वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत शुक्रिया बीबी। कुर्ते तो होंगे आप मौजूदा सियासी सूरत हाल देखकर। बीबी मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई, कुर्ते तो होंगे क्या होता है? ओए मैं कुर्ता हूँ, अच्छा। मेरा खून खौलता है। तुमने मेरे साथ आज ये बच्चों को बिठाया, कौन है ये बीबी? नहीं, ये एक उभरती हुई जर्नलिस्ट है और बड़ी प्रॉमिसिंग है। वो आपका करिश्मा ही इतना है कि उसका इंट्रोडक्शन कराना मैं भूल गई। वाह 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 वाह, यहाँ हमारे बाल सफेद हो गए जर्नलिज्म करते करते। ये कल के बच्चे जो रोटी को चोची कहते हैं, ये साफ़त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं इनकलाबी सालिया हूँ और मैं आपको फॉलो करती हूँ। आपकी फॉलोवर हैं, स्टूडेंट हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे इन्हें? चलें बहुत अच्छी बात है, नौजवान मुझे फॉलो करते हैं। ये भी तो गुस्सा कर रहे थे आप सर। ओए दबीज खाल वाले मोटे गेंडे, इंसान के नाम पे बदनुमा दाग, मेरे हाथ में कोई 24 घंटे टोका नहीं होता। सर नॉर्मल गाल कर रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट हसन साहब, जब पहली दफा आपने प्यार का इजहार किया था तो कैसे किया था और किससे किया था? ओए 14वीं सदी की निशानी, ओए ओसी खुश नसीब हां असि हसन साहब नु मुस्कुरांदे वेख लिया। वैसे आज तक मुझसे किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया, ना किसी की हिम्मत हुई। या गेंद कराने लगे हो, इंजन कर रहे हो? शहजादी लगी हो बीबी, तुम्हारी जुर्रत को सलाम। इतने आके तुम्हारा कॉलम हल्का जिहा ढिल्ला पिया जी। निसार साहब मेरा भी आपसे एक सवाल है। वाह 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 वाह, नौजवान वारिस बेग होता है, क्या सवाल है? आपका ताल्लुक तो फैसलाबाद से है और फैसलाबाद की जुखते तो बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि मजाक छूकर भी आपको गुजरा है? आप पहले कहीं न्यूज एंकरिंग करती रही हैं? हाँ जी। आपके लंबे जुमलों से मुझे अंदाजा हो रहा है, और बात ये बीबी के फैसलाबाद नहीं होता, लालपुर कहते हैं उसको। निसार साहब ये जी न्यूज एंकर हूं, चार शीट इस गलो मिली हुई है कि ने ब्रेकिंग न्यूज निच मारती सी। सर मैं कॉलम लिखना चाहती हूँ। लिखो, पेपर पेंसिल क्या मैंने तुम्हारा छुपाया हुआ है? काम है मेरा तगैयुर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जुमलों में वो तासीर हो जो आपके जुमलों में है। निसार साहब मैं आप पे कॉलम लिखना चाहती हूँ। लिख दो। सर मैं कल की हसन निसार बनना चाहती हूँ। बस फिर सारे खानदान ना लड़ पाए। कलमा चिटियां कर ला। तसी पी मुचा तेरी आपे बन जानी। पामो चक बेरी लवा जो तेन गुस्सा वे थलो फड़ के रे। आप भी थोड़ी चने लाओ तो चुगना इंजन करी जाए। तो ये तो फजूल बातें करते रहेंगे, आप मुझे बताइए। ओए ये इनकी बकवासियां चलती रहेंगी, क्या उल्टे सीधे सवाल लेके आ गए। बहरहाल जो तुम्हारा सवाल था बीबी, आपने मेरे जैसा नहीं बनना, आपने अपना बनना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सर मेरा आपसे एक सवाल है। चलो एदा सवाल सलाब दा ही होना जी। लो जी इस खातून ने जिन्हें सलाब वेखे ने ना, पांच दरियावां ने उन्हें अपनी धी बना लिया। परसों चनाब इहदे घर आया, इहनूं ईद दे गया कि कहिंदा धी आ फड़ लै मैं तेरा अगे जाणा। एक दरिया कोलों रस्सी सी, दरवाजा नहीं सी खोल रही, उहने फिर जोर दे नाल दरवाजा वी नाल ही लै लिया। जो दरिया इनके पास से गुजरता है उसको पर्थ सिंध भी कहते हैं ना। हाँ जी अब्बा सिंध। वो अब्बा सीन नहीं है, वो अब्बा सीन है। अब्बा सीन दी गल नहीं, मैं अब्बा सीन दी गल कर रहा हूँ। बेचारा बहुत परेशान सी। क्यों? वो कह रहा सी बस मैं अपनी धी दे हाथ पीले कर दिया, फिर मैं समुंदर जाके सुकून नाल जिंदगी गुजारांगा। एक दरिया दे हथां ते मेहंदी लाउंदा, दूसरा धो दिंदा आण के। बिना ये अब्बा सीन का मतलब क्या होता है? दरिया सिंध का नाम अब्बा सीन इसलिए रखा गया है क्योंकि दरियाओं में भी मेल और फीमेल्स होते हैं, जैसे गंगा जमुना फीमेल कहा जाता है। जिवें साडे रावी जी, रावी फीमेल है, इहदा चनाब नाल विआह होया सी। असो चनाब ने कोई बाजी रावी नाल कोई रवैया नहीं रखिया, उहदा ख्याल नहीं रखिया, आखिरकार चनाब दे ना ख्याल रखण दी वजह नाल आस्ता आस्ता बाजी रावी सुक गई। सरदार साहब आपने रावी और चनाब की बात की, इन दोनों को मिलाकर एक नाम बनता है, उसे क्या कहते हैं? ए रचना दुआबा। वाह वाह, तो चज दुआब किसे कहते हैं? जो आपको नहीं है।
दरियाए झेलम और दरियाए चनाब को मिला के कहा जाता है चज दोआब। ओ मां सदके जावा विनवर की कुड़ी के सब दरियाओं पे जो कश्तियों का ठेका मेरे पास। अब तो हमारे दरिया ऐसे रहे ही नहीं कि वहां पे कश्तियों का ठेका मिल सके। सर आपकी हिमायत लेने के लिए ओपोजिशन में होना जरूरी है? नहीं कतई नहीं। आप अच्छी ओपोजिशन करें मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपने वही काम करना है जो हुकूमत में बैठे लोग करते हैं इस कौम के साथ, इनके चेहरे देखें, उसका चेहरा देखें। ओए जाग ओए। सर अच्छे व्यूज लेने के लिए मैं क्या करूं? आग ला ला अपने आप। वैसे निसार साहब आप हर वक्त इतने ही गैज़ो गज़ब में रहते हैं, बचपन से ही ऐसे आप। ये क्या बात हुई, ये क्या बात। वाह लगा कसम कैसेट फंसी। बहरहाल सवाल जो बच्ची ने किया है बात ठीक है इसकी, मैं बचपन से ऐसा नहीं था। वक्त और हालात आपको वो बनने पर मजबूर कर देते हैं जो बंदा नहीं बनता। ओ तो ये तलखी बाद में आई है आपके लहजे में। और जो शादी सी जी निकाह खान हंस गया है उन्होंने इस तरह पूछा तुम मुझसे कबूल करवाओगे, तुम तुम करवाओगे। सर कितने साल पहले आप खिलखिला के हंसे होंगे, याद है कुछ? आज भी वो दिन नहीं भूलता। रियली आपको किसी ने गुदगुदी की होगी। तो बारिश की शाम थी। अच्छा मैं पैदल फुटपाथ पे चल रहा था, खाली टीन ठुड्डा मार के कर रहा थी। पत्तों पे गिरता बारिश का पानी टपकते हुए मेरे सर पर टकराया। ओहो मैंने फौरन ऊपर देखा तो मेरी आंखें चुंधे आ गई। तो आप खिलखिला के हंस दिए? नहीं आगे हुआ क्या मेन बात तो आपको पता ही नहीं है। मेरे ख्याल जड़ी इस तो अगे हुई है ओदा तानू भी नहीं पता। एक दिन पुरानियां अखबारां मशा गई तो ते लम्मे पे सो। अच्छा मैं कहा एक ही कहते एक दिन अपने कालमों के साथ। तुम अपनी बकवास बंद करो। ओए मैंने सुना आपके बचपन। अच्छा तुम भी बकवास बंद करो। वैसे आपके कॉलम का नाम बड़ा अच्छा है चौराहा। अच्छा आपने तो कॉलम के नाम पे शो भी शुरू किया था। मैं तो उसी चीज को लेके चलूं जो हमारा कल्चर है। अब वो मोहल्ले वो गलियां वो चौबारे वो बैठके वो चौराहे वो नहीं है। क्या समा होता था क्यों सरदार कमाल। मैं कहना जी की मजा आंदा सी वीना जी ना चौराहे च बैंदा नाल नाल ही घर होने है जी छतां जुड़ियां होनियां। जैया हम जब अपनी किताब में लिखते हैं कि लैया शहर जो था ना वो इतनी छतें साथ जुड़ी हुई इन्नी जुड़ी जिन्नी तेरी जुबान नहीं जुड़ी। बंदा इन्ना फंबल होंदा बेहोश होने लगा इन्ना भी नहीं कहा जाता मैनू पानी पिया। इस बंदे ने लैये नू इन्ना फंबल किया लैया नाल पखर नू लैके इहदे कोल आया तो लैये ते पखरे दे पैरी पए ने। उहने कहा वेख तू फंबलां दा शहनशाह है जिथे मेरा कितने जिक्र है मैं अपनी गल आप करांगा तू नहीं कर। जीरा ये तो वाहियातियां करते रहेंगे। मैं असल में एक बात बताना चाह रहा था कि यैया और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।